प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अपनी सरकार के प्रति छल के दर्द पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने चुटकी ली है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में प्रेम कौशल ने दो टूक शब्दों में बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री की बात को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल के कार्यकाल में बीजेपी में क्या गुल खिल रहा है। साथ ही प्रेम कौशल ने पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस पर की जा रही टिप्पणियों को निम्न स्तर की करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा, प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल में कैबिनेट के अंदर ही विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, जिसका दर्द हाल ही में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बयान किया है। उन्होंने कहा कि इसी गुटबाजी के चलते एक विशेष गुट को निशाना बनाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में राज करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर जी, अभी सरकार को बने पूरा एक वर्ष हुआ नहीं है, होने वाला है इसमें, तो एक वर्ष के शासनकाल में ही एक वरिष्ठ विधायक लंबे समय से जो रहे हैं और काबीना मंत्री हैं, उनका दर्द जिस तरीके से बाहर निकला है, झलका है, उससे सरकार की स्थिति स्वतः जो है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के अंदर कितना विरोधाभास और गोटिज्म है, गुटबाजी है। और अगर इस सरकार का एक कैबिनेट मंत्री इस तरीके से रोए, इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपने दर्द का बयान करे, तो सरकार की कार्यप्रणाली को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री को खून के आंसू रोने में मजबूर कर दें तो भली प्रकार से समझा जा सकता है कि सरकार के अंदर किस तरह का कार्य जो है वो चल रहा है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान भाजपा सरकार है, इस सरकार ने एक स्पेसिफिक ग्रुप को जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उन निशाने पर लेके रखा और उस ग्रुप को टारगेट करके पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश की राजनीति में अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते मैं समझता हूँ हमीरपुर को भी इस चीज का नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। प्रेम कौशल ने पीएम मोदी पर जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के साथ जोड़ने वाले बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का गठन करवाया था, उस पार्टी पर इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष के खिलाफ निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में पक्ष विपक्ष हमेशा से रहे हैं। जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे आजादी के बाद, उनके खिलाफ भी लोग होते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि विरोधियों के प्रति इतनी निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल ये प्रथम बार देखने को हिंदुस्तान के भारतवर्ष की राजनीति में। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता भाषण देते हैं यहां और पाकिस्तान में तालियां बजती हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान प्रस्त है, कि कांग्रेस पार्टी ऐसी शक्तियों के साथ मिली है जो देश की सेना को कमजोर करना चाहती। ये बयान अपने आप में ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, जिनके नेतृत्व में हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। उस पार्टी को, उस नेतृत्व को, उस विचारधारा को नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान प्रस्त कहें, तो मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उससे बहुत निम्न स्तर का ये उनका बयान है। राफेल मुद्दे पर प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी का झूठ सार्वजनिक हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को झूठे दस्तावेज पेश किए गए थे, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से ले रही है जैसे राफेल को लेकर जो आरोप भारत सरकार के ऊपर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर लग रहे हैं, उनसे बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तावेज भारत सरकार ने आदरणीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे, उनके आधार पर फाइनल ऑर्डर पास कर दिया। और हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार देखने को आया कि भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला, सच्चाई को छुपाया, और ये सबके सामने भी आ गया।
अगर उन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया होता, झूठ नहीं बोला होता, तो नए सिरे से एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने की क्या आवश्यकता थी। और एक चीज और प्रधानमंत्री ने कही, वो कही कि इसमें कोई कवात्रोची या कौन है मिशेल मामा नहीं थे राफेल में, इसलिए कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो इनका एक नारा था स्वदेशी का, भ्रष्टाचार में दलालों का भी मुझे लगता है स्वदेशीकरण कर दिया है। कवात्रोची की जगह अंबानी को ले आए, माल्या हो गया, मेहुल चौकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया, स्वदेशीकरण कर दिया भ्रष्टाचार करने वालों को।